ओके, तो मैंने अब बर्लिन सीरीज़ ख़त्म की है और मेरे ऑनेस्ट ओपिनियंस हैं कि सीरीज़ काफ़ी अच्छी है और मेरे लिए वर्थ वॉच भी रही। ये सीरीज़ का मेन प्लॉट हाइस्ट नहीं है, क्योंकि हाइस्ट जो है वो फर्स्ट 5 एपिसोड्स में ही कंप्लीट हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हाइस्ट स्टोरी का छोटा सा पार्ट होगा। हाइस्ट भी स्टोरी का काफ़ी बड़ा पार्ट है, और मैं कहूँ कि इम्पोर्टेंट पार्ट है, बट स्टोरी का जो मेन प्लॉट बर्लिन का सच्चा प्यार, हाइस्ट के बाद होने वाली लोगों से गलतियाँ, उनके हल और एक परफेक्ट प्लानिंग के गिर्द घूमती है। और मैं ये देखकर खुश भी हुआ हूँ कि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो एग्जैक्ट मनी हाइस्ट के जैसी नहीं है। स्टोरी लाइन जो है वो काफ़ी हद तक चेंज की गई है, जो इससे ऑडियंस को देखने में मज़ा भी आएगा। कुछ नए करेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, कुछ ओल्ड भी वापस आए हैं। ओल्ड में अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो बर्लिन खुद है, इसके अलावा पुलिस इंस्पेक्टर अलिसिया सियारा और रखेल मॉर्गियो भी हैं। ये स्टोरी मनी हाइस्ट के जो सीजन है उस स्टोरी से पहले टेक प्लेस करती है, इसलिए आप लोग ज़रा परेशान ना होइएगा। ये उससे पहले टेक प्लेस करती है तो ज़्यादा कोई मसला नहीं होगा। इस सीरीज़ के एंड पे सीज़न 2 का भी हिंट दिया गया है, क्योंकि बर्लिन अपना सारा पैसा एक स्टोरी लाइन में आने वाली उसकी फीमेल एक्ट्रेस को दे देता है, जिससे वो उसके बाद कहता है कि हमें एक और हाइस्ट प्लान करनी पड़ेगी, जिससे उसका एक दोस्त कहता है हाँ मेरे लिए भी ये छुट्टियां काफ़ी लंबी जा रही हैं। तो इसका मतलब है इसका सीज़न 2 आएगा। और अगर बात की जाए इस यूनिवर्स की, तो जी हाँ, एक यूनिवर्स बन गया है नेटफ्लिक्स को, इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और अभी से यूनिवर्स बनाने की सोच रहे बर्लिन का सीज़न 2 के बाद इनके जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, या मे बी रकेल या अलिसिया सियारा या तमायो पे कुछ सीरीज़ बने, या कोई मूवी आ जाए नेटफ्लिक्स पे, और इसे एक अब एक्सपेंडिंग यूनिवर्स बनाया जा रहा है, क्योंकि नेटफ्लिक्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जहाँ से पैसे आते हैं नेटफ्लिक्स वहाँ पे काफ़ी अच्छा ध्यान भी देता है स्टोरी लाइन्स पे, करेक्टर्स पे, और बजट भी अच्छा खासा देता है, जैसे कि इस बार बर्लिन को मिला है। बाकी अभी तक कोई और न्यूज़ या नई रूमर्स आएंगे तो मैं उस पर भी लाजमी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ देख ली है तो कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी, और अगर नहीं देखी तो नेटफ्लिक्स पे इस वक्त अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।